दोस्तों एक दिन में रेलवे कितना टिकट काटता है, एक दिन में कितना रेलवे रुपया कमाता है, कितना पैसेंजर एक दिन में बैठता है, पूरे दुनिया में कितना रेलवे है, इन सभी की जानकारी आप वीडियो के अंत तक बने आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रेलवे का शुरुआत हुआ वो किस समय हुआ आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, जो कि पहले कहा जाता था कि पानी और कोयले पर रेलवे को चलाया जाता था, यह बात फैक्ट है कि पानी और कोयले पर चलाया जाता था, लेकिन पहली बार जो रेलवे आया वो अंग्रेज द्वारा ही आया। उसका जो पहली बार आने का प्रक्रिया 22 दिसंबर 1851 को पहली बार रेलवे आकर पूरा यानी कि इंडिया में तहलका मचा दिया, जो कि पहली बार 22 दिसंबर 1851 जो कि पैसेंजर ट्रेन आया, यानी कि पैसेंजर ट्रेन जैसे कि अभी एक्सप्रेस है, सपत क्रांति है, मिथिला है, बहुत सारे ट्रेन है जिनके एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन कब आया आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, पैसेंजर ट्रेन इस समय 15 अगस्त 1854 को पैसेंजर ट्रेन आया, जो कि हावड़ा और हुगली के बीच में उसे चलाया जाने लगा, और पहली बार वहाँ पैसेंजर ट्रेन आकर रिकॉर्ड बना दिया और इतने तो जो रेलवे है वह सस्ता, यह जैसे कि टिकट जैसे कि हम लोग लेते हैं तो वह सस्ता में मिलता है, यह बात फैक्ट है कि रेलवे सस्ता में चलाता है, लेकिन रेलवे केवल भारत में ही सस्ता चलाता है या पूरे दुनिया की बात किया जा रहा है? जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि नहीं केवल भारत में सस्ता रेलवे चलाता है, लेकिन नहीं, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता चलाए जाने वाले जैसे कि कोई बस हो गया, ट्रक हो, ट्रेन हो गया, ट्रेन बस कार में सस्ता चलाने जाने वाला ट्रेन है ऐसे भारतीय रेलवे है, उस रेलवे पर यानी कि एक मिनट के अंतर्गत कितने टिकट के काटा जाता है आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक मिनट के अंतर्गत जो काउंटर पर काटा जाता है और ऑनलाइन साइड से काटा जाता है, जो कि आजकल बहुत लोग बुकिंग करा रहे हैं साइड से, यानी कि बिना काउंटर पर जाकर 12 लाख टिकट को काटा जाता है, छोटा से लेकर और 12 तक, यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो 12 लाख लोग टिकट कटाते हैं एक मिनट के अंतर्गत। आज जो भारतीय रेलवे है उस भारतीय रेलवे पर कितने लोग यानी कि एक दिन के अंतर्गत कितने बार उस पर व्यक्ति चढ़ता है और उतरता है, जैसे कि आप है एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर चले गए तो आपका भी काउंट हो गया कि आप दूसरे ट्रेन पर भी चढ़ गए, तो आपको एक दिन के अंतर्गत दो बार तीन बार काउंट हो गया, लेकिन पूरे ओवरऑल देखा जाए तो एक दिन के अंतर्गत लगभग 3 से लेकर 5 करोड़ लोग व्यक्ति प्रतिदिन ट्रेन पर सफर करते हैं। ये रेलवे है जो कि सामान जो ढोया जाता है रेलवे से, जो कि रेलवे वह कितने डब्बे रखे हैं, यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि मालगाड़ी, देहाती भाषा में कहते हैं मालगाड़ी जा रहा है, यानी कि सामान ढोने वाले ट्रेन को मालगाड़ी कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन उसका जो डिब्बा कितना है, आज डिब्बा कोई संख्या होगा लेकिन ट्रेन का कोई संख्या का गिनती नहीं है, लेकिन जो डिब्बा है वो लगभग 2,25,000 डिब्बा को रखा गया है केवल सामान ढोने के लिए, कोई भी सामान गिट्टी बालू नमक कोई भी है उस रेलवे यानी कि रेलवे से जो सामान आता है, जो सामान ढो यानी कि सामान ढोने वाला जो गाड़ी होता है मालगाड़ी जैसे कहा जाता है, उस गाड़ी को सामान को उतारने के लिए यानी कि सामान को उतारने के लिए कोई ना कोई जगह फिक्स किया रहता है, आप लोग भी देखे होंगे जैसे गिट्टी बालू के लिए जगह फिक्स है, लेकिन कितने जगह सरकार अपने पूरे भारत में रखे हुए हैं जो कि सामान को उतारने के लिए 10,65,000 यानी कि 10,65,000 एकड़ को अपना जमीन रखा हुआ है केवल सामान को, कोई भी सामान चावल नमक गिट्टी बालू को उतारने के लिए। ऐसा जानवर है जो कि अंधेरे में भी देख सकता है, मैं कोई जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जैसे कि कोई पक्षी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पक्षी होता है उल्लू होता है वो अंधेरे में पूर्ण रूप से देखता है और दिन में भी उसको धुंधला लगता है, इसलिए कहा जाता है कि दिन में उसे नहीं दिखता, लेकिन जो जानवर है वह जानवर है जो कि रात में उसको पूर्ण रूप से दिखता है, जैसे कि उल्लू को दिखता है, तेंदुआ एनिमल है जिसको पूर्ण रूप से यानी कि रात में दिखता है उसे उल्लू की तरह, अगर बात किया जाता है सेम ही उल्लू ही ऐसा, और उसे दिन में भी दिखता है रात में भी दिखता है। कोई व्यक्ति को फांसी दिया जा रहा है लेकिन फांसी देते समय कितने समय तक उसके गर्दन में रस्सी को लटका कर रख दिया जाता है, यानी कि आप लोग कहेंगे कि उसको इधर से क्लिक किए और बस तुरंत ही उसे छोड़ दिए, नहीं, उसको अगर तुरंत छोड़ दे रहे हैं तो जीवित होने की अधिक संभावना है, लेकिन उसे नियम है कि 10 मिनट तक उसे अवसाई छोड़ देना, क्लिक करके छोड़ दे, उसके बाद कोई डॉक्टर उसे जाकर चेक करेगा वहां पर जो उपस्थित रहता है कि व्यक्ति मरा है कि नहीं मरा, अगर नहीं मरा तो फिर से उसको मारा जाए। इसी के हमारे देश यानी कि भारत देश में नियम है कि अगर नया साल आ रहा है तो वहां पर पिकनिक मनाया जाएगा, कहीं पर जाके घूमा जाएगा, मौज मस्ती किया जाएगा, इस प्रकार का भारत में नियम है, लेकिन कौन सा देश है जहां पर वहां पर नियम है कि आप जो रेड यानी कि लाल कलर का जो जंगा होता है उसे पहन कर वहां पर कहा जाता है कि सबसे
खुश नसीब कहा जाता है, वहां पर लक्की माना जाता है, इसलिए लाल कलर का जंगा पहना जाता है। इटली यानी कि इटली देश है, वहां पर यह नियम है ऐसा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दारू पिया हुआ है, उसे नशा चढ़ा हुआ है, तो आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा बहुत मूर्ख आदमी है जो कि नशा में है। लेकिन जो व्यक्ति जिस समय नशा में है, उस समय पर कितने व्यक्ति यानी कि दुनिया में कितने व्यक्ति हैं जो कि नशे में जूझ रहे हैं, जैसे कि हमेशा यानी कि एनी टाइम नशे में, लगभग हर समय में 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ प्रत्येक समय में व्यक्ति जो है वह नशे में ही रहते हैं, लगभग 5 करोड़ के अंतर्गत। ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें।